Okay, so before proceeding into the very first chapter of physical chemistry of class 12, we need to know some basic concepts that we have learned in class 11. And those are molar mass. Now, sometimes this molar mass is also known as molecular weight. Molecular weight. We need to know.

इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का वेट्स को मिलाकर बनाना है इसका मतलब ये होता है अगर किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट निकालना है तो वो सब्सटेंस जिस जिस एलिमेंट से बना है वो सारे एलिमेंट्स का एटोमिक वेट हम लोग को पता होना चाहिए तो पहले हम लोग यहाँ पर एटोमिक वेट का एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस का हम लोग मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं बहुत ही छोटा चार्ट बनेगा यहाँ पर दिक्कत की कोई बात नहीं है एटोमिक वेट ओके सी द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टेबल इज हाइड्रोजन वट इज द एटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इट इज वन एंड द एटोमिक वेट ऑल्सो वन ओके आफ्टर हाइड्रोजन वी नीड कार्बन वट इज द एटोमिक नंबर ऑफ कार्बन इट इज सिक्स सो इट विल बी द एटोमिक वेट इट विल बी ट्वेल्व राइट आफ्टर कार्बन वी नीट नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज सेवन तो क्या होता है हर वक्त अगर एटॉमिक नंबर को हम लोग डबल करेंगे तो जो नंबर मिलता है वही होता है एटॉमिक वेट तो सेवन को डबल करेंगे तो क्या होगा फोर्टीन ऑक्सीजन का क्या होता है एट तो उसको डबल करेंगे क्या आएगा सिक्सटीन तो क्या ये हर वक्त होता है नहीं जैसे फ्लोरीन। नाइन ना एटोमिक नंबर तो उसको डबल करेंगे क्या आएगा एट्टीन बट द एटोमिक वेट ऑफ फ्लूडिन इज़ नाइनटीन उसके बाद आता है नियन नियन इज टेन बट नियन एक इनर्ट uh, एलिमेंट है तो इसका कॉम्पाउंड हम लोग हम लोग नहीं बनाते इसलिए मतलब होता भी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसका उसके बाद सोडियम सोडियम इज़ इलेवन राइट तो इलेवन के डबल करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी टू बट द एटोमिक वेट ऑफ सोडियम इज़ एक्चुअली ट्वेंटी थ्री बिकॉज इट इज़ ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन समथिंग दैट्स वाई वी कंसिडर इट टू बी ट्वेंटी थ्री उसके बाद आता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज ट्वेल्व सो द एटोमिक वेट विल बी ट्वेंटी फोर राइट फिर आता है एलुमिनियम एलुमिनियम का एटोमिक नंबर क्या होता है थर्टीन थर्टीन को डबल करेंगे तो क्या आता है ट्वेंटी सिक्स बट इट इज़ अगेन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन समथिंग सो इट विल बी ट्वेंटी सेवन एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन फॉस्फोरस अभी ये सिलिकॉन फॉस्फोरस का उतना कॉम्पाउंड वाला चैप्टर में नहीं है हाँ सीखने के लिए हम लोग सीख सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है तो चार्ट को जितना छोटा बना सकते उतना छोटा बना रहे फिर आता है सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर सल्फर इज सिक्सटीन तो सिक्सटीन को डबल करेंगे क्या आएगा थर्टी टू साल के सल्फर के बाद आता है क्लोरीन क्लोरीन इज सेवनटीन तो सेवेंटीन को डबल करेंगे तो कितना आता है थर्टी फोर ना बट द एटोमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज थर्टी फाइव पॉइंट फाइव थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्लोरिन के बाद आता है आर्गन आर्गन इज अगेन एन इनर्ट एलिमेंट तो जरूरत नहीं है आर्गन के बाद आता है पोटाशियम पोटाशियम इज नाइनटीन नाइनटीन को डबल करें तो क्या आता है थर्टी एट जरूरत मतलब थर्टी एट नहीं होता होता थर्टी नाइन उसके बाद आता है कैल्शियम कैल्शियम इज़ वाट ट्वेंटी तो डबल करेंगे तो कितना आएगा इट विल बी फोर्टी राइट अगर इतने कैल्शियम तक अगर याद रहेगा कितने एलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो ये अगर बारह एलिमेंट हम लोग याद रख लेंगे एटॉमिक वेट तो इस चैप्टर में जितने भी सब्सटेंस हम लोगों को मिलेगा लगभग मॉलिकुलर वेट बन जाता है लेकिन अगर किसी को और भी सीखना है एटोमिक वेट हाँ तो जरूर सीख सीख सकते हो मैं पूरा चार्ट दे दूंगा ये वाला नोट में रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिलहाल इसी से बना लेते तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था एच का मॉलिकुलर वेट राइट तो एच किससे बनता है दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो दोनों हाइड्रोजन मतलब क्या होगा वन इंटू टू वाई बिकॉज द एटोमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन इज वन प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर एक ना एक ऑक्सीजन का एटोमिक वेट होता है सिक्सटीन सो इट विल बी वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू मीन्स टू टू प्लस सिक्सटीन मीन्स वट एट्टीन सो एट्टीन इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ एच टू और मोलार मास व यूनिट ऑफ मोलार मी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको नंबर से लिखते हैं लेकिन एक यूनिट इसका रहता है जो होता है ग्राम मोल इन्वर्स ओके यूनिट ऑफ मोलार मास इज ग्राम मोल इन्वर्स मतलब एक मोल में कितना ग्राम एट्टीन ग्राम मोल इन्वर्स नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एच टू एस फोर पहला वाला हो गया एच टू मोलर मास निकल गया अभी एच टू लेते हैं तो एच टू किससे बनता है दोनों हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ठो ऑक्सीजन तो क्या लेंगे वन इंटू टू प्लस एक सल्फर मतलब थर्टी टू प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर चार चार्ठो ऑक्सीजन सो इट विल्सटीन इंटू फोर देर फोर वन इंटू टू मीन्स टू टू प्लस थर्टी टू थर्टी टू प्लसटीन इंटू फोर मीन्स सिक्सटी फोर सो इट विल बी टू प्लस थर्टी टू मीन्स थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस सिक्सटी फोर मीन्स 98. So the molecular weight of H2SO4 is 98 gram mole inverse. Okay. Next example लेते हैं Na2CO3. Na2CO3. तो Na2CO3 किससे बनता है दोनों सोडियम एटम एक कार्बन एटम तीन ऑक्सीजन एटम्स तो एक सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 सो इट विल बी 23 थ्री इंटू टू प्लस एक कार्बन का कितना होता है कार्बन मतलब ट्वेल्व सो टूवेल्व प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर तीन ऑक्सीजन हर एक ऑक्सीजन का मैंने बताया फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स प्लस टूवेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्सटी इंटू थ्री मीन्स फोर्टी एट सो इट विल बी ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट मीन्सटी सिक्सटी प्लस फोर्टी सिक्स मीन्स वन जीरो सिक्स सो वन जीरो सिक्स इज द मोलर मास ऑफ एन सी ओ थ्री एंड द यूनिट इज ग्राम मोल इनवर्स राइट सो दिस इज द मोलर मास और मोलिकुलर वेट ऑफ एन ए टू सीओ थ्री और एक दो एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं, तो इतना तो हो गया ना एच टू ओ एच टू एसओ फोर और एन ए टू सीओ थ्री और एक एग्जाम्पल लेते हैं एल टू एसओ फोर होल थ्री एल टू एसओ फोर होल थ्री सी एल टू एसओ फोर होल थ्री मतलब एल टू एसो फोर होल थ्री बनता है किससे दोनों एल्यूमिनियम एटम और अच्छा दो एल्यूमिनियम एटम के पहले कर लेते एक एलुमिनियम का होता है ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन इंटू टू दटोमिक वेट ऑफ वन वन एल्यूमिनियम एटम इज ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन इंटू टू इंटू टू क्यों यहाँ पर दोनों एलुमिनियम एटम है प्लस अब इधर पे देखो इधर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम सल्फर मतलब ये जो सल्फर है सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है चार ऑक्सीजन इससे बनता है एसो फोर ये एसो फोर कितना है ये एसो फोर अब तीन एसो फोर है मतलब बाहर में एक तीन को रख देते हैं हम लोग थ्री अंदर में ये एसो फोर के आइटम मतलब जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बना बना लेते हैं तो एसो फोर मतलब क्या एक सल्फर मतलब थर्टी टू प्लस कितने ऑक्सीजन एटम्स चार सो इट विल बी सिक्सटीन इंटू फोर तो ये बन गया सिर्फ SO4 एसो फोर का वेट अभी SO4 फोर कितने हैं थ्री ना इसलिए बाहर में एक थ्री मल्टीप्लाइड रहेगा सो ट्वेंटी सेवन इंटू टू मीनस फिफ्टी फोर प्लस बाहर में थ्री मल्टीप्लाइड है अंदर में थर्टी टू प्लस

288 एट्टी एट प्लस फिफ्टी फोर 342. सो so 342 फोर्टी टू इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ Al2SO4 टू एस होल थ्री क्लियर है बात तो अगर मोलिकुलर वेट और मोलर मास हम लोग सीख गए तो इसमें और एग्जाम्पल ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इतना इनाफ है इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में जो होता है इक्विवेलेंट वेट तो मोलार मास और मोलिकुलर वेट क्लियर है हम लोगों का उसके बाद सीखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ये दोनों मेन पार्ट सो इक्विवेलेंट वेट को सीखने से पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस 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 मतलब क्या जब कोई कॉम्पाउंड में दोनों एक या दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हो उसमें अगर हम लोग चार्ज या फिर करंट अप्लाई करें तो क्या होता है कैटाइन यानी प्लस चार्ज और एनआन चार्ज अलग हो जाता है प्लस और माइनस साइन वाला जो एलिमेंट्स है वो अलग हो जाता है ड्यू टू करंट फ्लो तो so इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि एन ए सी एल एन ए सी एल ये कैसे टूटता है एन ए प्लस और सी एल माइनस वेयर एन ए प्लस इज द कैटायन एंड सी एल माइनस इज द एनायन अच्छा एक बात में ध्यान दो पहला वाला जो था ना वो हो गया कैटायन और बाद में जो है वो बन गया एनायन ओके मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है जो पहला वाला होता है वो कैटायन बन जाता है बाद में जो है वो एनआईन बन जाता है और कब ये होता है वेन देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स ओके अभी एनएसएल तो आसान है कोई अगर ऐसा बोले कि ए एल टू फोर होल्थ्री का बना इलेक्ट्रोलाइसिस तब हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बहुत इजी है वैसे देखो एक जनरल फॉर्म से समझाता हूँ जैसे कि है एक ए फोर बी फाइव ए फोर बी फाइव अभी पहले कौन सा है ए है ना कितने ए है यहाँ पर चार बी कितना है पांच तो पहले तो ये लिख लो कितने ए हैं फोर ए प्लस कितने बी है पाँच सो फोर ए प्लस फाइव बी अभी क्या होता है ना जो सामने वाला हिस्सा होता है मैंने बोला सामने वाला जो हिस्सा होता है वो कैट बनता है मतलब प्लस और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो एनएन बनता है मतलब माइनस अभी कितने प्लस कितने माइनस वो क्रॉस हो जाता है कितने ए था यहाँ पर फोर ए ना तो ये फोर चला जाएगा इसके ऊपर मतलब बी माइनस फोर और कितने बी था यहाँ पर फाइव ना तो ये ए के ऊपर चला जाता है प्लस फाइव सो इट विल बी फोर ए प्लस फाइव प्लस फाइव बी माइनस फोर ट्रांसफर हो जाता है और एक एग्जांपल ले लेते हैं ए टू बी थ्री ओके ए टू बी थ्री समझो कितने हैं यहाँ पर दो सो टू ए प्लस बी कितना है तीन सो थ्री बी टू ए प्लस थ्री बी अभी चार्ज क्या होगा ये तो प्लस होगा ये तो माइनस होगा कितना प्लस होगा थ्री ये कितना माइनस होगा दिस टू सो इट विल बी टू ए प्लस थ्री प्लस थ्री बी माइनस टू क्लियर उसी तरह से अगर हम लोग करें ए एल टू एसो फोर होल थ्री तो देखो क्या होगा फिर कितने एल है यहाँ पर दोनों ना सो इट विल बी टू एल प्लस कितने एसो SO फोर है यहां पर तीन सो इट विल बी थ्री एसो फोर सो टू ए एल प्लस थ्री फोर उसके बाद क्या करना होगा क्रॉस सो so, ये तो होता है प्लस और ये तो होता है माइनस कितने माइनस होगा ये कितना एल था दो सो इट विल बी माइनस टू एस ओ फोर कितने है? थ्री तो इधर पे होगा प्लस थ्री सो टू एल प्लस थ्री प्लस थ्री एस ओ फोर माइनस टू चार्ज मतलब जितने नंबर से वो क्रॉस हो जाएगा उसके बाद कोई और एग्जाम्पल लेते एच टू एस ओ फोर आसान है बिल्कुल एच टू एस ओ फोर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कितने एच है यहाँ पर दोनों ना तो टू एच प्लस एस ए फोर कितने हैं एक ही है एस ओ फोर तो लिखेंगे सिर्फ एक एस ए फोर अभी सामने वाला जो हिस्सा है वो प्लस हो जाएगा पीछे वाला जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा कितने प्लस होगा एस ए फोर कितना है एक तो एक प्लस वन होगा ए सो फोर कितना माइनस होगा कितने एच है दो इट विल बी माइनस टू क्रॉस ओके सो एस टू से फोर कैसे टूटता है टू एच प्लस प्लस एस ए फोर माइनस टू नेक्स्ट उसके बाद उसके बाद आता है एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री ओके तो एन ए टू सी ओ थ्री कैसे टूटेगा कितने सोडियम है यहाँ पर दोनों ना तो लिखेंगे टू एने प्लस सी ओ थ्री कितने यहाँ पर एक तो लिखेंगे सी ओ थ्री अभी चार्ज क्या होगा ना चार्ज ऐसे क्रॉस हो जाता है तो सोडियम के ऊपर क्या जाएगा प्लस और सी ओ थ्री के ऊपर क्या जाएगा माइनस सोडियम के ऊपर कितने प्लस होगा कितने सी ओ थ्री है यहाँ पर अच्छा लोग क्या गलती कर जाते हैं सर बोलते ये सी ओ थ्री तो तीन है अरे सी ओ होल थ्री थोड़ी ना लिखा है यहाँ पर तो सी ओ थ्री लिखा है मतलब ऑक्सीजन के साथ एक थ्री है तो सी ओ थ्री कितना है सी ओ थ्री एक है तो सोडियम के ऊपर भी एक ही जाएगा प्लस वन और सोडियम कितना है दो सो इट विल सी ओ थ्री टू दी सी ओ थ्री माइनस टू चार्ज इज माइनस टू तो ये क्रॉस हो जाता है तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं okay? ओके चलो तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग सीख गए तो हम लोग अभी कर सकते इक्विवेलेंट वेट वी कैन कैलकुलेट राइट डाउन हेडिंग इज इक्विवेलेंट वेट So, हम लोगों का मोलार मास हो गया मोलिकुलर वेट यानी मोलार मास इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो गया अभी हम लोग क्या देखेंगे इक्विवेलेंट वेट राइट इसको मिटा देता हूं मैं देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट में मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट वेट शॉर्ट में लिखा हूं ऊपर में है मोलार मास मोलार मास Divided by number of H plus ions that can be accepted, number of H plus ions that can be accepted by the anion part. Okay, so इक्वीवलेंट वेट इक्व टू मोलारास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एच प्लस आय दैट कैन भी एक्सेप्टेड बाई द एन आय पार्ट ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर में वो तो समझ में आ रहा है मोलार मास है और कैसे निकालती है हम लोग को पता भी है लेकिन नीचे वाला जो है कि नंबर ऑफ एच प्लस आय दैट कैन भी एक्सेप्टेड बाई द एन एन पार्ट ये थोड़ा सा मुश्किल है ना समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलो कोई बात नहीं एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला वाला चलो एच टू एसोफोर का इक्विबेंट वेट निकालते हैं फोर ओके सो बिफोर कैलकुलेटिंग इक्वलेंट वेट सी वी नीड टू कैल्कुलेट द मोलारास फर्स्ट सर हम लोग को तो पता है कि मोलर मास 98 है नहीं निकाल के दिखाना फिर से ये प्रोसीड्यूर है दिखाना पड़ता है सो वन इंटू टू क्यों एक हाइड्रोजन के एटोमिक वेट वन सो वन इंटू टू प्लस एक सल्फर मतलब थर्टी टू प्लस कितने ऑक्सीजन है फोर सो इट विल बी सिक्सटीन इंटू फोर सो टू प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर मीन्स क्या आएगा नाइन्टी एट ग्राम मोल इनवर्स दिखाना पड़ता है इसको हाँ उसके बाद ये जो है नंबर ऑफ एच प्लस आय देट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन आय पार्ट अभी ये क्या होता है इसको समझने के लिए एच टू एस फोर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना बहुत ज़रूरी है और अभी हम लोग सीखे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आसानी से हो जाएगा कैसे होगा ये टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस है ना देखो कितने एच है दो तो टू एच प्लस कितने एस ओ फोर है एक तो एक एसओ फोर चार्ज क्या होगा क्रॉस हो जाएगा इसलिए इसके ऊपर आया प्लस वन इसके ऊपर चला गया माइनस टू अभी एनआईन के चार्ज के ऊपर ध्यान दो कितने चार्ज है यहां पर सी इट इज माइनस टू है ना एनआईन के चार्ज के ऊपर ध्यान दो माइनस टू है देखो कोई प्लास को अच्छा कोई माइनस प्लास को एट्रैक्ट क्यों करता है सपोज यहां पर एक चार्ज है इन ए प्लास ओके इन ए प्लास किस एट्रैक्ट करता है सीएल माइनस को अट्रैक्ट करता है ना क्यों ताकि एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाकर न्यूट्रल बन सके इन ए प्लास के पास जब ही सी एल माइनस आ जाएगा दोनों को मिलाकर ये कॉम्पाउंड न्यूट्रल बन जाता है तो कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी चार्ज या फिर कोई भी कैटानियान एन दूसरे चार्ज को मतलब ऑपोजिट चार्ज को इसलिए अट्रैक्ट करता है ताकि खुद न्यूट्रल बन सके ओके ना तो अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो एस ओ फोर माइनस टू को अगर न्यूट्रल होना है तो कितने प्लस चार्ज चाहिए प्लस टू क्योंकि ये माइनस टू है खुद तो इसको चाहिए भी प्लस टू तो एक जो जो होता है, एक H जो होता है, है, एक उसके अंदर कितने चार्ज होता है प्लस वन देखो प्लस वन है ना यहाँ पर तो एक एच प्लस मतलब प्लस वन तो ऐसे फोर माइनस टू को कितना चार्ज चाहिए फिर दोनों प्लस टू ना मतलब उसको दोनों एच प्लस चाहिए तो एन एन के चार्ज की तरफ ध्यान देना जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ एच प्लस तो कितना है यहाँ पर माइनस टू सो इट मीन्स नंबर ऑफ H प्लस आय दैट आर एक्सेप्टेड बाय द एन एन पार्ट इज टू तो द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा मोलर मास व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एच टू सी फोर इट इज नाइनटी एट सो इट इज नाइनटी एट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एच प्लस आय कितना आया टू सो नाइनटी सो फिर से समझाता हूँ एन को जो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करना फिर एन का जितना चार्ज होगा अगर सपोज एन का चार्ज आता है माइनस वन मतलब वो कितने एच प्लस लेगा एक ही तो एक से डिवाइड करना अच्छा सपोज़ अगर एन का चार्ज आता है माइनस थ्री तो कितने एच प्लस चाहिए उसको प्लस थ्री सो थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे होता है तो देख लिया ना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते फिर तो इस्टेज ऊपर हो गया हम लोगों का फिर करते ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री प्रॉब्लम यही एक होता है कि अगर इक्विवेलेंट वेट निकलना है तो पहले मोलर मास निकलना बहुत जरूरी है सो ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस कार्बन मतलब ट्वेल्व प्लस ऑक्सीजन मतलब सिक्सटीन इंटू थ्री सो इट विल बी ट्वेंटी थ्री इंटू टू मीन्स फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व मीन्स फिफ्टी एट फिफ्टी एट प्लस फोर्टी एट मीन्स वन जीरो सिक्स सो दिस इज द मास और मोलिकुलर वेट ओके वन जीरो सिक्स मोल इनवर्स अभी देखो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना जरूरी है तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करो N2CO3 टू सी ओ थ्री कैसे होता है टू ए ने प्लस प्लस सी ओ थ्री माइनस टू अगेन आई एम सेइंग दिस इज सी ओ थ्री नॉट सी ओ होल थ्री गलत मत करना तो देखो मैंने बोला था क्या एन एन के चार्ज की तरफ देखना कितने चार्ज है यहाँ पर माइनस टू ना तो कितने एच प्लस चाहिए इसको प्लस टू अगर ये माइनस टू है तो एच प्लस कितना लेगा ये दोनों ही लेगा ना दोनों प्लस टू लेगा ये चलो तो फिर नंबर ऑफ H प्लस एन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एल एन पार्ट इज टू सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट क्या होगा द इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलाल मास कितना है इसका वन जीरो सिक्स सो वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स प्लस आंस कितना है दो सो वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई टू मीन्स फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री इज द इक्वीवेंट वेट ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री राइट फिफ्टी थ्री इज द वेट ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री चलो एक और एग्जाम्पल लेते तो एच टू हो गया एन टू सी ओ थ्री हो गया करते अभी ए एल टू एस ओ फोर होल थ्री ए एल टू एस ओ फोर होल थ्री ए एल टू एस ओ फोर होल थ्री ओके तो एल टू फोर होल थ्री का हम लोग पहले मोलिकुलर मोलर मास निकाल लेते तो क्या होगा ट्वेंटी सेवन इंटू टू प्लस बाहर में थ्री रहता है अंदर में सल्फर मतलब थर्टी टू प्लस ऑक्सीजन चार है मतलब सिक्सटीन इंटू फोर तो ये हो गया थर्टी टू प्लस सिक्सटी इंटू फोर मीन्स सिक्सटी सो थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर मीन्स नाइन्टी सिक्स और नाइन्टी सिक्स इंटू थ्री मीन्स टू एट और इधर पे ट्वेंटी सेवन टू मतलब क्या बनता है फॉर फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर प्लस टू एट्टी एट इट विल बी थ्री फोर्टी टू ग्राम थ्री फोर्टी टू ग्राम मोर इनवर्स चलो ये होता है अभी देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये नंबर ऑफ एक्सप्लाइंस भी निकालना है तो क्या होगा तो एल टू एस होल थ्री को पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करो एल टू एसओ फोर होल बनता है क्या टू ए एल थ्री प्लस टू एल थ्री प्लस प्लस थ्री फोर माइनस टू ना तो एक एसओ फोर का चार्ज कितना है मैंने बोला था क्या एन के चार्ज की तरफ ध्यान देना तो मोलार मास तो निकल चुका है हम लोगों का थ्री फोर्टी टू को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ एट प्लस साइंस दैट कैन बी द बाई पार्ट एंड फॉर दैट तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज में ध्यान देना पड़ेगा एच प्लस लेगा प्लस टू मतलब टू को टू से करोगे। नहीं, तो नहीं निकलता वो गलत हो जाता है क्यों मैंने बोला था कि तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जितना है एच प्लस उतना ही लोगे एन एन चार्ज का जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही एच प्लस लेगा सर ये तो माइनस टू दिख रहे हाँ माइनस टू तो दिख रहा है लेकिन वो तो एक एस फोर का माइनस टू जो दिख रहा है वो सिर्फ एक एसोपुर का है तीन टू तो एसोपुर का नहीं है कितने एसो फोर है यहाँ पर तीन ना तो हर एक का माइनस टू मतलब तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है माइनस सिक्स मतलब कितने लेगा वो प्लस सिक्स दे आर फोर दे आर फोर नंबर ऑफ एच प्लस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाई दिस कितना है यहाँ पर मास इज थ्री फोर्टी टू Divided divided by 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 number of of H plus ions that can can be accepted by the the is So means we calculate equivalent weight of any compound. I think it is clear. देख लो एक बार तो वेट तो हम लोग निकालना सीख गए राइट अभी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा एक नया कॉन्सेप्ट में क्या ये भी एक्चुअली पहले हो चुका है बहुत बार दो ग्राम मोल ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स बचपन से हम लोग बोलते आए ना नंबर मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट तो ये ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स अच्छा पहले तो ये बता देता हूँ कि ये ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो एक ही बात होता है ओके इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन है <स्थाँगा> तो ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो एक ही बात होता है तो अभी ग्राम मोल को निकालते कैसे अच्छा ऐसा भी सवाल आता है कि सर ग्राम मोल को डिफाइन कैसे करें सी देर इज नो इंपॉर्टेंस टू डिफाइन द ग्राम मोल इट्स ऑनली अ यूनिट जस्ट लाइक मीटर सेंटीमीटर लीटर वैसे ग्राम मोल एक यूनिट होता है हाँ लेकिन तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो तो जैसे डेसीमीटर डेसीमीटर से हम लोग आते हैं सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से हम लोग आते हैं मिलीमीटर मीटर है, में उसी तरह से ग्राम से ग्राम मोल में जा सकते हैं ग्राम मोल से ग्राम में जा सकते हैं ऐसा कन्वर्शन हो सकता है लेकिन इसका वैसे कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए तो ग्राम मोल में कैसे आते हैं चलो फॉर्मूला लिखते हैं इसका ग्राम मोल अच्छा फिर से बता रहा हूँ कि ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो एक ही होता है तो हम लोग लिखेंगे ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स ओके ग्राम मोल और नंबर ऑफ मोल्स तो फॉर्मूला जो है वो है गिवेन मास गीवेन मास और गिवेन मास का यूनिट क्या होता है ग्राम राइट मास जब भी दिया जाएगा तभी वो ग्राम में होगा सो द इज मास डिवाइडेड बाई मोलार मास स डिवाइडेड बाई मोलार मास ओके तो गिवेन मास के यूनिट जो होता है वो ग्राम में होता है और मोलार मास के यूनिट क्या होता है ग्राम मोल इनवर्स में होता है ना मैंने पहले ही बताया था सो ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोल इनवर्स मतलब क्या होगा ग्राम ग्राम जो कैंसिल हो जाएगा और मोल इनवर्स जो नीचे है ऊपर जाके मोल बन जाता है इसी तरह निकलता है हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स या फिर हम लोग इसको ग्राम मोल भी कह सकते हैं देखो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राम मोल है ओके ग्राम हाइफेन मोल तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर इज इट ग्राम पर मोल नो सर इज इट ग्राम इंटू मोल नो इट इट इज अ नेम ग्राम मोल ये एक यूनिट का नाम ही है ग्राम हाइफेन मोल क्या कर सकते हैं हम लोग ग्राम मोल ना तो ये मल्टीप्लाइड में है ग्राम इंटू मोल और ना ही ये बाई फॉर्म में दैट इज ग्राम पर मोल ये एक नाम है ग्राम मोल या फिर तुम लोग सिर्फ इस्तेमाल करो मोल्स इतना काफी है तो ग्राम मोल ओके सो द फॉर्मूला इज गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास तो ये तो हो गया फॉर्मूला अभी हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे राइट right? तो एग्जाम्पल लिखो पहला वाला पहला वाला एग्जाम्पल एकदम आसान सा लेते हैं ठीक है थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ एच टू ओ थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ एच टू ओ नाउ वी मोल तो कैसे निकालेंगे देखो ग्राम मोल का फॉर्मूला क्या है गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास अभी मोलर मास किस का सब्सटेंस का तो so, का मोलर मास क्या होता है निकालो H2 मतलब पता है हम लोगों को 18 फिर भी दिखाना पड़ेगा गिवेन मास क्या है कितने मास है यहाँ पर थर्टी सिक्स ग्राम सो दिस इज द गिवेन मास ऑफ एच टू ओ इधर पे लिखो थर्टी सिक्स ग्राम डिवाइडेड बाई द मोलर मास मोल इनवर्स एट्टीन ग्राम मोल इनवर्स राइट तो थर्टी सिक्स बाई क्या होगा इट विल बी टू सो द आंसर इज टू मोल्स राइट टू मोल्स और और टू मोल्स भी लिख सकते हो या फिर टू ग्राम मोल भी लिख सकते हो बात एक ही है ठीक है टू मोल्स या फिर टू ग्राम मोल तो दरअसल ग्राम मोल में ग्राम मोल में निकलने का फॉर्मूला क्या है गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास और मोलर मास किसका जिस सब्सटेंस का निकल रही हो तो एच टू मतलब एट्टीन होगा अच्छा चलो तो एच टू वाला तो हो गया कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते ये थोड़ा सा आसान था दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते जैसे कि 196 ग्राम ऑफ 196 ग्राम ऑफ H2SO4 ओके okay? 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब क्या होता है गिवेन मास कितना है यहाँ पर 196 ना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला न्यू में गिवेन मास रहेगा दैट इज़ 196 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एच H2SO4 एच का मोलर मास होता है 98 एट वन इंटू टू प्लस सल्फर मीन्स थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर सो इट विल बी नाइन्टी तो इधर पर लिख देना नाइन्टी ग्राम मोल इनवर्स सो वन नाइन्टी सिक्स बाय नाइन्टी टू मीन्स टू इट विल बी टू ग्राम मोल टू ग्राम हाई मोल ओके टू ग्राम मोल और टू मोल्स एक ही बात होता है और टू मोल्स अगेन आई एम सेइंग ये ग्राम मोल ना तो मल्टीप्लाइड है कि ग्राम इन टू मोल और ना ही डिवाइडेड पार्ट में है कि ग्राम पार मोल ऐसा कुछ नहीं है ये अपने आप में एक नाम है दैट इज ग्राम मोल किसका ऑल्टरनेटिव नाम है ये टू मोल्स का मोल्स का दूसरा नाम है ग्राम मोल कुछ नहीं कर सकते हम लोग या तो ये यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो लेकिन मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना कि ग्राम मोल मतलब सर ने बताया था ग्रामीण टू मोल नहीं ग्राम मोल मीन्स ग्राम हाई मोल दैट्स इट तो ऐसे हम लोग ग्राम मोल निकाल सकते हैं ना तो एस टू ओ का हो गया एस टू फोर का हो गया आगे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे लेकिन फिलहाल अभी तक यही ठीक है तो ग्राम मोल कैसे निकालना है याद आ गया गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास बहुत ही आसान है डोंट बी कन्फ्यूज और मास क्या होता है जो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा इन ग्राम दैट इज द गिवेन मास ठीक है ओके नेक्स्ट लिखो ग्राम इक्विवेलेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट तो ग्राम मोल हो गया अभी निकलते ग्राम इक्विवेलेंट अच्छा अनफॉर्चुनेटली ग्राम मोल का दूसरा नाम क्या था नंबर ऑफ मोल्स राइट लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट को वैसा कोई दूसरा नाम नहीं है ग्राम मोल मतलब क्या था मोल्स लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उसको हम लोग ग्राम इक्वीवेंट से ही बुलाते हैं इसका कोई दूसरा नाम नहीं है तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है अभी इसमें कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कैसे कॉमन सेंस अभी समझो ग्राम मोल कैसे निकाल रहे थे गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा गिवेन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट सो द फॉर्मूला इज गिवेन मास गिवेन मास मास इज इन ग्राम ओके अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है चलो छोड़ दो गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ओके तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है और अगर इक्विवेलेंट निकालना इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ता है क्योंकि फॉर्मुला ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स प्लस आयंस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द दै पार्ट अच्छा तो नंबर ऑफ़ एच प्लस आयस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एंड पार्ट उसको निकालने के भी लिख लिए भी हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा चलो एग्जाम्पल से देखते हैं ना तो ये तो हो गया फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आसान सा है अगर ग्राम मोल निकाला तो मोलर मोल से डिवाइड करो और अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो बस इतना तो एग्जाम्पल लिखो ना एग्जाम्पल पहला वाला अच्छा वही उसी का ले लेते वन नाइन सिक्स ग्राम ऑफ एच टू फोर वन नाइनटी सिक्स ग्राम ऑफ एच टू स फोर इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल तो इसका हम लोग ग्राम मोल निकाल चुके हैं अभी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एक एक करके स्टेप करते हैं पहले एस है, है का मोलर मास यानी मॉलिकुलर वेट निकालते क्यों विदाउट कैलकुलेटिंग द मोलर मास वी नॉट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट सो एस टूसफर का मोलिकुलर वेट क्या होता है नाइन्टी एट वन इंटू टू प्लस सल्फर मतलब थर्टी टू प्लस सिक्सटी इंटू फोर इट विल बी नाइन्टी एट उसके बाद अभी एस टूसफर का इलेक्ट्रोलाइसिस करो ना तो एस टूसफर का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा इट विल बी टू एच प्लस प्लस एस ओ फोर माइनस टू कर चुके हम लोग तो नंबर ऑफ एच प्लस आर रिक्वायर्ड इज टू बिकॉज द चार्ज ऑफ द एन इज माइनस टू ना सो यू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एच टू सो फोर बाई टू सो द इक्विवेलेंट वेट विल्वीवलेंट वेट विली एट डिवाइडेड बाई टू सो इट विली फोर्टी नाइन दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एच टू सो फोर तो अभी देखो क्वेश्चन क्या था 196 ग्राम ऑफ एस टू इसको कन्वर्ट करना है किसमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम इक्विवलेंट क्वांटिटी में तो ग्राम इक्वलेंट निकलना है तो फॉर्मूला क्या है गिवेन मास डिवाइडेड बाई इक्विवल वेट एज आई सेट द मास इज दिस नाइनटी 196 इज द गिवेन मासवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एस टू फोर फोर्टी सो 196 डिवाइडेड बाय 49 मींस क्या आता है अच्छा यूनिट इज व्हाट यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट ओके इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम इक्विवेलेंट जब भी तुम ग्राम को जब भी तुम ग्राम को इक्विवेलेंट वर्ड से डिवाइड करोगे तभी तो मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। सो वन नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी नाइन मीन्स वाट इट विल बी फोर इट विल बी फोर ग्राम इक्विवेलेंट। इट विल बी फोर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऐसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं चलो एक और करते हैं इसका एग्जाम्पल एज ट्वेंटी फोर तो हो गया अच्छा इसका जो वैल्यू है ना इसको याद रखना कि 196 ग्राम मतलब कितने नंबर ऑफ मिले मिलते टू मोल्स यानी टू ग्राम मोल और कितना ग्राम इक्विवेलेंट मिला फोर ग्राम इक्विवेलेंट याद रखना ये या बाद में काम आने वाला है ठीक है याद रखना इसको चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैसा वन वन फोर ग्राम ऑफ एल टू एसो फोर होल थ्री ओके वन वन फोर ग्राम ऑफ एल टू एसो फोर होल थ्री करते हैं इसका इसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करेंगे वन वन फोर ग्राम ऑफ वन फोर्टीन ग्राम ऑफ एल टू एसो फोर होल थ्री देखो गिवेन मास तो ये क्लियर है ना वन वन फोर ग्राम तो इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला ऊपर में क्या रहेगा गिवेन मास दैट इज वन वन फोर ग्राम नीचे क्या बिठाना है इसका इक्विवेलेंट वेट किसका एल टू सफर रोल थ्री का सर हमको तो पता है फ़िफ्टी सेवन करके दिखा देते हैं फिर भी तो एल टू सफर रोल थ्री कैसे बनता है इट इज़ ट्वेंटी थ्री नो एलूनिया मीन्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू टू प्लस बैकेट में रहेगा थ्री अंदर में थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर पहले बहुत बार कर चुके हैं ना तो ट्वेंटी सेवन इंटू टू मीन्स फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर प्लस थ्री बाहर में अंदर में क्या होगा नाइन्टी सिक्स तो नाइन्टी सिक्स इंटू थ्री मीन्स टू एट्टी एट 288 एट्टी एट प्लस फिफ्टी फोर मीन सो दिस इज द मोलर मास ऑफ एल होल थ्री अगर Al2SO4 एल टू होल थ्री का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आएगा Al2SO4 एल टू होल थ्री का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आएगा 2AL3 plus, plus 3SO4 minus 2 ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री एसो फोर माइनस 2. माइनस ना तो कितने SO4 है है कितने चार्ज है यहाँ पर एक SO4 का चार्ज है माइनस तो तीनों को मिलाकर क्या होता है इट इज माइनस तो कितने H लेगा ये

114 divided by 57 means 2, and the unit is what? It is gram equivalent. So, 114 gram of Al2SO4 whole 3 means 2 gram equivalent, 2 gram equivalent, right? 2 gram equivalent. तो अभी हम लोग इसका एक फाइनल एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा ओके okay? तो मिटा दिया मैंने इसको एक क्वेश्चन लिख लेना क्वेश्चन लिख लो टू वन टू ग्राम ऑफ टू वन टू ग्राम ऑफ एन टू सीओ थ्री 212 gram of N2CO3. Okay. Calculate its amount. Calculate its amount in gram mole and gram equivalent. Gram mole and gram equivalent. Here. So the given mass is two one two gram of N2CO3. वी हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट इन ग्राम मोल एंड ग्राम इक्वीवलेंट तो बस फॉर्मूला से याद हो जाएगा फार्मूला क्या है ग्राम मोल का गिवेन मास डिडेड बाई मोलर मास है तो पहले तो हम लोगों को मोलर मास निकालना होगा उसके बाद इक्वलेंट वेट निकालना पड़ेगा तो फॉर्मुला हो जाएगा तो एंसर तो पहले तो अच्छा हम लोग को ये तो पता चल कि मॉलिकुलर वेट और इक्वीवेंट वेट दोनों चाहिए तो पहले तो दोनों को निकाल लेते तो का मॉलिकुलर वेट क्या होगा इट विल बी सोडियम मीन्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस एक कार्बन मतलब ट्वेल्व उसके बाद एक ऑक्सीजन मतलब सिक्सटीन इंटू थ्री तो ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टी सिक्स ट्वेल्व फोर्टी एट सो फोर्टी एट प्लस टूल्व मीन सिक्सटी सिक्सटी प्लस फोर्टी सिक्स मीन्स वन जीरो सिक्स इट इज वन जीरो सिक्स ग्राम मोल इनवर्स राइट और मॉलिकुलर वेट तो निकल गया अभी क्या करना पड़ता है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है तो एन ए टू सी ओ के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा टू ए प्लस प्लस सी ओ थ्री माइनस टू टू एने प्लस प्लस सी ओ थ्री माइनस टू तो नेगेटिव चार्ज कितना है माइनस टू ना तो so, कितने एच प्लस एक्सेप्ट करेगा प्लस टू तो कितने चार्ज से डिवाइड कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा टू से डिवाइड करना पड़ता है सो द इक्विवेलेंट वेट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन टू सी ओ थ्री विल बी इक्विवेलेंट वेट विल बी वट molecular weight yani 106 divided by number of h plus ions that can be accepted by the N-N part that is 2 so 106 divided by 2 it will be 53 so we have to calculate we have calculated the molecular weight that is 106 and the equivalent weight that is 53 so the molecular weight is 106 and the equivalent weight is 53 now if we want to convert this 212 gram in gram equivalent then we have to divide by this equivalent weight

पहले ग्राम मोल निकालते हैं ना पहले ग्राम मोल निकालते हैं तो ग्राम मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मोलार मास और या फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ता है Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकला क्या 106 तो so, 212 डिवाइडेड बाय 106 मींस 2 ग्राम मोल 2 ग्राम मोल अच्छा और अगर इसी का ग्राम इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर ग्राम इक्विवेलेंट पे अगर कन्वर्ट करना है तो ये गिवन मास को हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट यानी 53 से डिवाइड करना पड़ेगा सो टू वन टू डिड बाई फिफ्टी थ्री इक्विवेलेंट राइट ग्राम इक्विवेलेंट सो इट विल टू वन टू डिड बाई फिफ्टी थ्री मीन्स फोर सो इट विल बी फोर ग्राम इक्विवेलेंट फोर ग्राम इक्विवेलेंट सो टू वन टू ग्राम इज कन्वर्टेड इन टू फोर ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे हम लोग ग्राम मोल यानी और ग्राम इवेलन कुछ भी निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं और एक बात मैंने फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ टू ग्राम मोल मींस टू मोल्स दूसरा नाम है इसका वैसे ग्राम का कोई दूसरा नाम तो है नहीं तो ग्राम से ही बुलाना पड़ेगा हो गया ना इतना चलो तो हम लोग मोलार मास यानी मोलिकुलर वेट इलेक्ट्रोलाइसिस इक्विवेलेंट वेट ग्राम मोल ग्राम इक्विवेलेंट सब सीख गए कोई बात नहीं है तो अभी जो है ये ग्राम मोल ग्राम और ग्राम इक्विबलेंट का जो कन्वर्शन है उसको हम लोग एक ब्लॉक से देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो बीच में रखते हैं ग्राम को सपोज कोई एक सब्सटेंस दिया हुआ है जिसका गिवेन मास दिया हुआ है इन ग्राम में और क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी नीड टू कैलकुलेट दिस वी नीड टू कन्वर्ट दिस ग्राम इन टू ग्राम मोल तो ग्राम को अगर ग्राम मोल में कन्वर्ट करना है ग्राम को अगर ग्राम मोल में कन्वर्ट करना है यानी इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ग्राम मोल क्वान्टिटी तो क्या करना पड़ेगा गिवेन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास यानी जो गिवेन मास है इसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से सो डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई मोलर मास ओके तो अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो अगर जाने के ग्राम से ग्राम मोल में जाने के लिए डिवाइड बाई मोलार मास करना पड़ता है यानी मोलार मास से डिवाइड कर करना पड़ता है तो अगर ग्राम मूल से ग्राम में लौटना है तो क्या करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ओके तो अगर ग्राम से ग्राम मोल में जाना है यानी डिवाइड बाय मोलर मास और अगर लौटना है इसके मतलब मल्टीप्लाई बाय मोलर मास चलो फिर अगर ग्राम से तुम लोगों को आना है अगर ग्राम से तुम लोगों को आना है ग्राम इक्विवेलेंट में ग्राम से अगर तुम लोगों को आना है ग्राम इक्विवेलेंट में फिर क्या करना पड़ेगा ग्राम से अगर ग्राम इक्विवेलेंट पे आना है तो मतलब डिवाइड बाय व्हाट इस ग्राम को यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट से तो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट और यही अगर ग्राम इक्विवेलेंस से तुम लोगों को आना है ग्राम में ग्राम इक्वीवेंस से अगर तुम लोगों को आना है ग्राम में तो क्या करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल उनका उल्टा प्रोसेस है ना अगर ग्राम से ग्राम मोल में जाने के लिए डिवाइड बाय बाई मोलर मास तो ग्राम मोल से ग्राम में आने के लिए क्या मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अच्छा अगर ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाने के लिए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट तो ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट बस उल्टा उल्टा प्रोसेस जाने के लिए डिवाइड आने के लिए मल्टीप्लाई इधर पे भी फिर से जाने के लिए डिवाइड आने के लिए मल्टीप्लाई सो क्या याद रखेंगे हम लोग अगर ग्राम में दिया हुआ है कुछ कोई सब्सटेंस अगर ग्राम में दिया हुआ है तो अगर ग्राम मोल में जाना है तो क्या करोगे फिर अच्छा ग्राम मोल इस तरफ से ग्राम मोल से अगर कोई बात नहीं है ग्राम से अगर ग्राम मोल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई मोलार मास अगर लौटना है तो क्या करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई बाई मोलार मास अच्छा अगर ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट अच्छा अगर लौटना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट दैट्स इट अभी क्या होता है ना इतना आसान भी नहीं रहता कि सिर्फ ग्राम से जाओ और आओ ऐसा भी नहीं होता ऐसा भी कभी कभी होता है कि ग्राम मोल में दिया हुआ है एंड यू यूनिट टू यू यूनिट टू कन्वर्ट इट इन ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा ग्राम मोल में दिया हुआ है तो ग्राम मोल से ग्राम मोल से ग्राम में कैसे आओगे ग्राम मोल से ग्राम में कैसे आओगे बाई मल्टीप्लाइंग बाई मास ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे कैसे जाओगे डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया ना ग्राम मोल से ग्राम में कैसे आओगे मल्टीप्लाई बाई मास ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट पे कैसे जाओगे डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया अभी अगर ऐसा करना पड़े कि ग्राम इक्विवेलेंस से ग्राम मोल में जाना है तो पहले तो ग्राम इक्विवेलेंस से ग्राम में आओ उसके बाद ग्राम मोल में जाना तो ग्राम इक्विवेलेंस से ग्राम में कैसे आओगे मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट उसके बाद डिवाइड बाय मोलर मास इसी तरह से हम लोग एक मतलब एक स्टेप वाइज करेंगे इसको पहले ग्राम मोल से ग्राम में आएंगे ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट पर जाएंगे उसके बाद ग्राम इक्वेलन से ग्राम में आएंगे ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट पर जाएंगे ऐसा स्टेप वाइज ओके तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेता है जैसे कि वो एस टू वाला याद है क्या निकला था शायद वो क्वेश्चन दिया गया था 196 ग्राम और वन नाइन सिक्स मतलब निकला था 2 ग्राम मोल ओके तो ली ले लेते टू ग्राम मोल अभी सपोज टू सॉल्व अर न्यूमरिकल प्रॉब्लम यू नीड टू कन्वर्ट दिस टू ग्राम मोल दिस ग्राम मोल क्वान्टिटी इन टू ग्राम इक्विवेलेंट कर लेते हैं okay? ओके तो ग्राम मोल को अगर ग्राम इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करना है तो पहले क्या बोला मैंने पहले ग्राम में आओ कैसे आना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई मोलर मास तो ग्राम में चले आओगे ना तो मल्टीप्लाई बाई मोलर मास है किसका था ना ये एस टू सफर का था तो पहले तो एस टू सफर का मोलर मास निकालो तो एस टू सफर का मोलर मास अच्छा इस बार निकालते नहीं है बस एक ही बार में लिख देते एस टू सफर का मोलर मास है नाइनटी एट और इक्विवेलेंट वेट कितना है फोर्टी नाइन राइट इक्विवेलेंट वेट इज फोर्टी नाइन सो द मोलर मास इज नाइन्टी एट एंड द इक्विवेलेंट वेट इज फोर्टी नाइन सो टू ग्राम मोल एट फोर मीन्स अगर हम लोग मोलार मास से इसको मल्टीप्लाई करें सो इट विल बी टू इंटू मोलार मास मीन्स नाइनटी एट तो मोलार मास से जब हम लोग मल्टी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है किस में ग्राम में तो टू इंटू नाइनटी एट मतलब इसको हम लोग और ग्राम मोल नहीं लिख सकते इसको हम लिखना पड़ेगा ग्राम टू इंटू नाइनटी एट ग्राम क्योंकि अरे मल्टीप्लाई बाय मोलार मास से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना तो ये ग्राम मोल में रहा क्या नहीं ये ग्राम में कॉन्वर्ट हो चुका है ओके सो टू इंटू नाइन्टी एट इकॉस टू ग्राम सो देखो टू इंटू नाइनटी एट मींस क्या होता है वन नाइन्टी सिक्स ग्राम होता है ना यही तो दिया गया था तो हम लोग ग्राम में चले आए अभी उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट में जाएंगे ना तो ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे आएंगे सी इक्विवेलेंट वेट कितना है फोर्टी फोर्टी नाइन सो वन नाइन्टी सिक्स अभी ग्राम में है ना तो ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाना है, तो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट सो वन नाइन्टी सिक्स ग्राम अच्छा डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन सो वन नाइन्टी को हम लोग 49 से अगर डिवाइड कर चुके तो ये यूनिट किस में चला गया है अभी ग्राम में रहा क्या नहीं ये ग्राम इक्विवेलेंट पे चला गया है 196 नाइन्टी सिक्स डिडेड बाई फोर्टी नाइन मीस इज़ ऑलरेडीड इंटू ग्राम इक्विवेलेंट वन नाइन्टी सिक्स डिडेड बाई फोर्टी मीन्स वाट इट इज फोर सो फोर ग्राम इक्विवेलेंट सो इफ यू कन्वर्ट टू ग्राम मोल ऑफ एच टू सी फो इन टू ग्राम इक्वलेंट इटली फोर ये आया था देखो टू ग्राम मोल वन नाइनटी सिक्स ग्राम ऑफ एच टू सी फोर मतलब निकला था टू ग्राम मोल एंड फोर ग्राम इक्विवेलेंट यही तो आया तो ऐसे हम लोग ये फार्मूला या फिर ये डायग्राम को अप्लाई करके किसी भी कॉन्वर्सन कर सकते हैं उल्टा अगर फोर्थ से तुम लोगों को फोर ग्राम इक्वल से अगर ग्राम मोल में जाना तो क्या करना पड़ेगा फिर पहले तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो यानी फोर्टी नाइन से अगर मल्टीप्लाई करोगे फोर को तो क्या वन नाइनटी सिक्स ग्राम अगेन फिर अगर ग्राम मोल से तुम लोग को ग्राम से अगर ग्राम मोल में जाना तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करो ना वन नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई मास कितना है नाइनटी एट सो वन नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन्टी एट मीन्स टू ग्राम मोल तो ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम मोल आसान है, तो है? ये तो अभी प्रॉब्लम क्या है सर ये तो आपने बता दिया बिल्कुल कन्वेंशनल रूल से पहले ग्राम मोल से ग्राम में आओ ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट में आओ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है तो टाइम कंज्यूमिंग तो है अगर टाइम को बचाना है तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा तो शॉर्ट ट्रिक कैसा है इसका देखो शॉर्ट ट्रिक एक है लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक वैसे कुछ होता नहीं है ओके okay. शॉर्ट ट्रिक वैसे अच्छा ये डायग्राम तुम लोग बना देना अदरवाइज प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम कुछ नहीं मतलब ये करने में आसानी होगा फिर तो शॉर्ट ट्रिक ओके शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक ऑफ कन्वर्शन कैसा कन्वर्शन कन्वर्शन अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक कब काम आता है ये शॉर्ट ट्रिक तभी काम आता है जब तुम लोगों को ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम मोल में डरेक्ट जाना है अगर बीच में कहीं ग्राम निकलना है तो ये शॉर्ट ट्रिक का कोई काम नहीं है अभी देखो ग्राम से अगर अच्छा ग्राम इक्वीबल ग्राम मोल से अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकलना है या फिर ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम मोल में जाना है तो प्रॉब्लम क्या है इस इस प्रोसेस का इस प्रोसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि कोई ना कोई एक स्टेप में हम लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट करना पड़ता है उसी में प्रॉब्लम है क्यों प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है पहले तो मोलिकुलर वेट निकालो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करो फिर डिवाइड करो बड़ा प्रोसेस हो जाता है तो अगर हम लोग किसी तरह से वो इक्विवेलेंट पार्ट इक्विवेलेंट वेट को निकालने का जो फॉर्मूला है या फिर इक्विवेलेंट वेट को निकालने का जो प्रोसेस है अगर उसको हम लोग रिमूव कर सके तो ये प्रोसेस और भी कम टाइम में हो सकता है तो देखते विदाउट कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट वेट ये काम हो सकता है क्या देखते तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते क्या था ना वो वो था टू ग्राम मोल ओके टू ग्राम मोल एच टू एस ओके तो क्या बोला था मैंने पहले इसको किस में कॉन्वर्ट करना पड़ता है ग्राम में ओके okay? तो मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिख रहा हूँ अगर ग्राम मोल से ग्राम में आना है तो क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाई मोलार मास राइट तो लिखते हैं टू इन टू मोलार मास ओके मैं वैल्यू नहीं बताया बस मोलार मास लिख दिया यहाँ पर सो टू इं टू मोलार मास और यूनिट ग्राम मोल से क्या बन जाएगा अभी यूनिट बन जाएगा ग्राम ओके okay? तो अभी और ग्राम मोल नहीं रहा मोलार मास से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो ग्राम मोल बन गया ग्राम उसके बाद अगर वो ग्रामो ग्राम से तुम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट पे आना है तो क्या करोगे फिर ग्राम से अगर ग्राम इक्विवेलेंट पे आना है तो ये पूरा जो वैल्यू है इसको तुम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे है ना सो so, मैं इसको लिख रहा हूँ टू इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिखता हूँ ओके देखो मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ बस ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ सो टू इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट एंड द यूनिट शुड बी ग्राम इक्विवेलेंट क्योंकि अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हो ग्राम को तो वो ग्राम इक्विवेलेंट में आ जाता है ठीक है तो ये टू क्या है ये तो नंबर ऑफ मोल्स यानी ग्राम मोल था ग्राम मोल क्वांटिटी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये वाला जो रेशियो हम लोगों को आया न, molar mass divided by equivalent weight, है ना मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या ध्यान देते हैं देखो यहां पर राफ में दिखाता हूं मैं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मोलर मास इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मोलार मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एच प्लस आय दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय बहुत बड़ा लिखना हो गया फिर मैं इसको छोटे से लिखता हूं टोटल नेगेटिव चार्ज ओके क्योंकि देखो टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आयन ओके टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आयन टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन जितना होगा उतने नंबर ऑफ एच प्लस एन एक्सेप्ट करेगा ना एस ओ फोर माइनस टू मतलब टू एच प्लस सी ओ थ्री माइनस सी ओ थ्री टू सी ओ थ्री तो टू माइनस होता है सॉरी सी एल माइनस तो एक एच प्लस जितना माइनस होगा उतना एच प्लस एक्सेप्ट करेगा ओके तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें अच्छा कुछ कुछ किताब में इसको इन फैक्टर भी कहते हैं कुछ कुछ इसको वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं कुछ भी कह सकते हो मैं इसको एकदम सिंपली लिखता हूँ टोटल चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन ओके कोई बात नहीं है तुम लोग एक्सपेक्टर भी लिख सकते हो कोई बात नहीं होता है इसमें तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन देखो मैं क्या कर रहा हूं इसको इधर पे लेके आ रहा हूं और इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड करके इधर पे ला रहा हूं तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल्स टू क्या होगा मोलार डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट सी

नंबर ऑफ एच प्लस आय देन बी एक्सेप्टेड दैट कैन बी एक्सेप्टेड दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाई द एनायन पार्ट बाय द एनायन पार्ट ओके सो टू इंटू नंबर ऑफ एच प्लस आयंस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाई द एन आन पार्ट अभी बोलो किसका था ये एग्जाम्पल एच टू सफोर का था ना तो एच टू सफोर को बस इलेक्ट्राइसिस में तोड़ोगे ऐसे राफ में क्या करोगे एच टू सफोर को बस ऐसे तोड़ोगे कैसे

टू ग्राम मोल यानी फोर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एस टू फोर तो था मतलब हम लोग अगर ग्राम मोल में दिया है एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस है उसको अगर H part, यानी, वो टोटल एंड चार्ज ऑफ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है ठीक है तो ये तो हो गया मैं थोड़ा सा डायग्राम जैसा बना देता हूँ कैसे ट्रिक का एक डायग्राम बना देता हूँ ठीक है तो अगर तुम लोगों को ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है ग्राम मोल से अगर ग्राम मोल में जाना है सॉरी ग्राम मोल से अगर ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई वही नंबर ऑफ एच प्लस आयोन्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन पार्ट लिखा नहीं मैंने उतना मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन पार्ट लिख लेना तुम लोग चाहो तो और इसको अभी उल्टे प्रोसेस से समझो अगर ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड सो इट विल बी डिवाइड बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयस नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स हो गया ना ग्राम मूल्य से अगर ग्राम यूवेलन पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयंस और अगर ग्राम यूवेलन से ग्राम मूल पे आना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयंस दैट्स इट सो दिस इज द डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रिक तो अगर ये याद रहेगा तो बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना चुटकी में हो जाएगा एकदम दिमाग में हो जाएगा जैसे कि तुम लोग देखो ना Na2CO3 Na2CO3

डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे वो नंबर ऑफ एकता साइंस तो ग्राम मोल ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा डायरेक्ट से अच्छा और अगर ऐसा दिया है कि फोर ग्राम इक्विवेलेंट फोर ग्राम इक्विवेलेंट तो फोर बाई टू कर दो ना उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो ग्राम मोल हो जाएगा उसी नंबर से डिवाइड कर दो फोर बाई टू मीन्स टू ग्राम मोल बिल्कुल आसान नहीं है तो ये जो था ये था सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है ये इस, इस पार्ट में था लेक्चर वन और लेक्चर टू में से एक्चुअली हम लोग चैप्टर में घुस जाएंगे लेकिन ये जो पार्ट था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है एंड आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर सींग दिस लेक्चर तो इसमें तुम लोगों का कॉन्फिडेंस आ चुका है क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं पहले तो मोलर मास मॉलिकुलर वेट निकालो मोलानमा के मिनट क्या होता है ग्राम मोल इनवर्स ओके नंबर से रिप्रेजेंट करो उतना काफ़ी है उसके बाद इक्विवेलेंट वेट अच्छा बीच में एक इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट चला गया ना ए फोर बी फाइव कैसे टूटता है उसी को देखकर किसी भी कंपाउंड का कर, कर सकते हो वैसे एक और बात फिर से बोल देता हो सब ये गलती करता है एने को ऐसे लिख देते टू ए ए प्लस प्लस सर क्या होगा थ्री सीओ होगा क्यों थ्री सी सर ये पे सी थ्री है ना अरे सी होल थ्री नहीं है ये सी थ्री है सो इट विल बी टू एन ए प्लस सी ओ थ्री टू एन ए के ऊपर एक प्लस सी थ्री के ऊपर एक माइनस टू दैट्स इट तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रेसिस कर सकते हैं नंबर ऑफ एस प्लस साइंस दैट कैन बी एक्सेप्ट एक्सेप्टैनपैट उस नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करें मोलर मुला, मास या फिर मोलिकुलर वेट को तो क्यू वेट भी निकाल सकते अच्छा अगर ग्राम से ग्राम मोल में जाना है तो डिवाइड बाई मोलर मास अगर लौटना है तो मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ग्राम से अगर ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है तो डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट अगर लौटना है तो मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ग्राम मोल से अगर डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एच प्लस आय देट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन बाईन से मल्टीप्लाई कर दो और अगर ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम मोल में आना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो बस हो जाएगा दैट्स इट तो अगर ये तक हो चुका है तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर शुरू कैसे होता है मतलब सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका बेसिक पार्ट्स क्या है वो दिख लेंगे चलो तब तक के लिए गुड बाय